जो पब्लिक आपका वीडियो देख के वॉच टाइम काउंट होगा वही यहाँ पे काउंट होगा, ना कि कोई शॉर्ट वीडियो का, ना कि कोई अदर्स किसी सोर्स से आपने डायरेक्ट शेयर किया वहाँ का, ये सब काउंट नहीं होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव विक्रम में। दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपने अगर मतलब आपका चैनल, आपने कोई भी चैनल क्रिएट किया है, ठीक है, आपने किसी भी न्यू, आप यूट्यूब में न्यू हो, नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो, आप लोगों को पता नहीं है किस तरीके से मोनेटाइज होता है आपका चैनल, किस तरीके से आप लोग अपना मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे। सभी वीडियोस मैंने बना के रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का प्लेलिस्ट दे दूंगा, सारा वीडियो देख लेना, आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मिनिमम क्राइटेरिया फॉर यूट्यूब जो मोनेटाइजेशन अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करने के लिए मोनेटाइजेशन आपका चैनल में क्या क्या क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, और 2021 में ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 2021 में ये नियम लागू है। बाद में अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हो तो नियम चेंज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक साल में या फिर 6 महीने में इनका नियम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। तो क्या क्या नियम है सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहे। वीडियो छोटा सा बनाने वाला हूँ, इस वीडियो में ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएंगे, और जितना भी यूट्यूब और एडसेंस रिलेटेड वीडियोस है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, देख लेना, आप लोगों को उससे भी बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं एकदम ऑफिशियल यूट्यूब हेल्प पेज में जाके आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या क्या क्राइटेरिया होता है अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, क्या क्या आप लोगों को नियम फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिमाग में रख लेना है। तो आपको डिस्प्ले में मैं यहाँ पे साइड में शो करवा दूंगा। तो जैसे कि गाइस देख सकते हो, ये YouTube हेल्प डेस्क है, मतलब YouTube का जो ऑफिशियल हेल्पिंग पेज है, यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो YouTube पार्टनर प्रोग्राम रिव्यू एंड एलिजिबिलिटी अपडेटेड अगस्त 2021 में यहाँ पे जो नियम है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव अपडेटेड दिस आर्टिकल इंक्लूड डिटेल्स ऑन न्यू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर ज्वाइनिंग द YouTube पार्टनर प्रोग्राम। तो जितना भी पहले का जो टर्म्स था, जितना भी नियम था, वो थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है अगस्त 2021 में, जो अभी के टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को YPP जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम जो है उसमें आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो क्या क्या नियम आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा बहुत ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू ज्वाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को नियम मैं बता देता हूँ। फॉलो ऑल द यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी आप लोगों को जानना चाहिए, ये बहुत बड़ा है, इसको अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो आज खत्म नहीं होगा। तो ये जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी आप लोगों को दिख रहा है, ये जो है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत मेन चीज बता देता हूँ, बाकी मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके भी आप लोग पढ़ सकते हो, ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद आप लोग आराम से इसको अप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, मैं मेन चीज यहाँ पे आप लोगों को फोकस करके दिखा रहा हूँ। व्हाट वी चेक व्हेन वी रिव्यू योर चैनल, अगर आपका चैनल हम लोग रिव्यू करते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आवर रिव्यू चेक कॉन्टेंट बेस्ड रिप्रेजेंट योर चैनल अगेंस्ट आवर पॉलिसी सिंस आवर रिव्यू कैन चेक एवरी वीडियो दिस में फोकस ऑन योर चैनल। सब वीडियोस ये लोग चेक नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चेक किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन थीम, मेन थीम क्या होता है, मेन थीम होता है आपका लोगो और आपका चैनल आर्ट, मतलब लोगो आपका होना चाहिए चैनल में, दोनों ही होना चाहिए, दोनों चीज ही मैंडेटरी है, लोगो एंड चैनल आर्ट किस तरीके से बनाया जाता है डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। और मोस्ट व्यूड वीडियो, जिस वीडियो पे आप लोगों का सबसे ज्यादा व्यू आया है, ठीक है, वो वीडियो चेक किया जाएगा। मोस्ट व्यू वीडियो क्या होता है, जिस वीडियो को आप लोगों ने वायरल किया है, जो वीडियो आप लोगों को मतलब जो वीडियो सभी पसंद कर रहे हैं वो वीडियो आप लोगों का यहाँ पे चेक होगा, ठीक है। उसके बाद न्यूएस्ट वीडियो, आपने फर्स्ट जो वीडियो वायरल किया है और अभी के जो न्यू वीडियो है दोनों में वो लोग मैचिंग करेंगे कि आप ही है या फिर कोई और इस वीडियो को मतलब किसी की जगह से आपने कॉपी किया है, तो ये चेक होगा। बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, वॉच टाइम कौन से वीडियो से सबसे ज्यादा आया है, ठीक है, मेन वीडियो जो वीडियो में आपसे सबसे ज्यादा व्यू आया है उसी में आपका जो वॉच टाइम भी सबसे ज्यादा आएगा। तो ये भी चेक किया जाएगा कि जिसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा वॉच टाइम है वो वीडियो में कोई भी वल्गरिटी नहीं है, वो वीडियो एकदम प्योर है, कोई भी कॉपी नहीं है, ठीक है, ये मस्ट चेक किया जाएगा। और वीडियो मेटा डेटा, ये इस साल अपडेट हुआ है, ये जो अपडेट है, ठीक है। वीडियो मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, पहले के टाइम पे क्या होता था, सभी लोग एसईओ के नाम पे अपने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा टैग दे देते थे, जो टैग अपना मेन टैग में है वो ही टैग अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देते थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता था, वीडियो के जो एल्गोरिथम है उसमें प्रॉब्लम आ जाता था, इस वजह से ये जो मेटा डेटा है इसको
चेंज किया, मतलब अगर आपने मेटा डेटा के अंदर क्या क्या आता है, टाइटल, थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन, ओके। अगर टाइटल में कुछ गड़बड़ी है, टाइटल आपने कहीं से भी कॉपी किया है, या फिर टाइटल में कुछ भी वल्गैरिटी है, कुछ भी मतलब कोई भी ऑफेंसिव वर्ड है, तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। थंबनेल भी चेक किया जाएगा, थंबनेल में अगर कुछ भी गलत पिक्चर दोगे तो इसमें आपको स्ट्राइक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन का मैंने बता दिया कि बहुत सारे लोग अपना जो वीडियोस का टैग है वो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे डाल देते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो नियम है इसको आप फॉलो कर लेना, हर एक वीडियो को आप लोग इसके, ये जो नियम है इसके अंदर लाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, द अबव एग्जांपल्स कंटेंट और रिव्यू में एक्सेस नॉट और रिव्यूअर कैन चेक पार्ट ऑफ चैनल सी योर व्यू फुल्ली और पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी पेज है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको आप पूरा देख लेना, ओके। तो उसके बाद मैं और एक जो ऑप्शन है, लाइव इन योर कंट्री, सॉरी यहाँ पे है यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर मैंने वहाँ पे बता दिया। उसके बाद लाइव इन ए कंट्री रीजन वेयर द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम इज अवेलेबल। तो ये जो टर्म है इसको अगर जानना है तो आप जो कंट्री से हो, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है, बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश में जो लोग यूज करते हैं, यूट्यूब से इनकम कर रहे हैं, उनका भी अकाउंट इंडिया के थ्रू ही कनेक्टेड है, ठीक है। इंडिया में किसी का अकाउंट है उसके थ्रू वो लोग अर्निंग कर लेते हैं। तो जो कंट्री यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के पॉलिसी को मतलब वायलेट करता है, जिस कंट्री में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, तो उस कंट्री में आप लोग YouTube पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर पाओगे, वहां पे आपका मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन ही आपको नहीं आएगा, लोकेशन अगर दोगे तो, ठीक है। तो हैव नो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ऑन योर चैनल। आपके चैनल में कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक किसे बोलते हैं वो वीडियो भी मैं, मतलब वो आर्टिकल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे पॉलिसी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो कॉन्टेंट आपने रिमूव किया है उसके अंदर भी कम्युनिटी गाइडलाइन अगर रहता है तो आपका चैनल में भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक रह जाएगा। इस वजह से वीडियो डिलीट मत करना, वीडियो को अपील कर देना कि आपका स्ट्राइक हट जाए उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे व्हिच पॉलिसी इज वायलेटेड फॉर एग्जांपल, तो ये जो चीज है इतना पेज में आपको बताने नहीं वाला हूँ, ये चीज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको नो कम्युनिटी गाइडलाइंस का ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हैव मोर देन 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर इन 12 मंथ, ओके। तो 12 महीने के अंदर, एक साल के अंदर आपके चैनल पे 4000 घंटा वॉच टाइम, पब्लिक वॉच टाइम होना चाहिए। खुद का वीडियो खुद कभी मत देखना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, आपके चैनल को मोनेटाइज करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 4000 घंटा पब्लिक वॉच टाइम, जो पब्लिक आपका वीडियो देख के वॉच टाइम काउंट होगा वही यहाँ पे काउंट होगा, ना कि कोई शॉर्ट वीडियो का, ना कि कोई अदर्स किसी सोर्स से आपने डायरेक्ट शेयर किया वहाँ का, ये सब काउंट नहीं होगा। सिर्फ पब्लिक वॉच टाइम, जो पब्लिक देखेगा वो वॉच टाइम आपका काउंट होगा। हैव मोर देन 1000 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए एक साल के अंदर, एकदम एक साल के अंदर। आपने ये मत सोचना है कि इस साल स्टार्ट किया तो उस साल में नहीं होगा, इस साल में नहीं हुआ तो उस साल में जाके भी आप अप्लाई कर पाओगे, तब वहां पे उस साल में जितना आपका सब्सक्राइबर वॉच टाइम जो गेन हुआ है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो हैव ए लिंक्ड एडसेंस अकाउंट, तो एडसेंस अकाउंट किस तरीके से लिंक करना है, किस तरीके से क्रिएट करना है, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा इजीली। तो ये कुछ पार्टनर प्रोग्राम का आपको मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया कि आप लोग अगर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे किस तरीके से करोगे, और कोई भी इशू किस तरह, मतलब अगर कोई भी इशू आता है तो किस तरीके से आप लोग मतलब उस इशू से बच सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ नियम था, आप लोगों को जानना जरूरी था, इस वजह से ये वीडियो बनाया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो वीडियो को अगर कोई अंत तक देखेगा तो उसको हेल्प होगा, अगर नहीं देखेगा तो वो कहीं ना कहीं जाके फंस जाएगा, फिर बाद में आके कमेंट में गाली देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जो लोग भी वीडियो के एंड तक देखते रहे हो उन लोगों के लिए थैंक यू वीडियो के एंड तक देखने के लिए। मैं विक्रम मिलता हूँ साइकिल किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहेगा दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।